1989 एक क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. इंडिया ऑलमोस्ट हारने ही वाला था, टेस्ट मैच था और पांचवा दिन था जिस दिन उनको ड्रॉ करवाना था इंडिया को मैच, लेकिन सामने से वसीम अकरम, वकार यूनिस, उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था, बड़े बड़े दिग्गज आउट हो गए थे और सबको श्योर हो गया था कि इंडिया अब बस हारने ही वाला है, अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता. उस टाइम पे जब अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, श्रीकांत जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए तो एक 16 साल का लड़का आकर के पिच पे खड़ा हो गया वकार यूनिस के सामने, और वहां पर बाकी के जितने भी प्लेयर्स थे उन सबकी ये वर्डिंग है कि उससे फास्ट पिच हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी. जितनी ग्रास थी उस पिच पे, मतलब उससे फास्ट पिच हमने कहीं नहीं देखी. इतनी तेज थी वो पिच कि किसी को बॉल ही नहीं दिख रही थी, खेलते क्या, बॉल तक नहीं दिख रही थी, इतनी तेज आ रही थी बॉल. और वो 16 साल का लड़का वहां पे खड़ा हुआ और एक बॉल आई बाउंसर वकार यूनिस की 150 की स्पीड, टप्पा पड़ा और सीधा आकर के उसकी नाक पे और खून निकलने लगा, चारों तरफ खून ही खून, उसके कपड़ों पे, उसके ग्लव्स पे, उसके फेस पे. उधर से फिजियोथेरेपिस्ट भागता हुआ आया, क्रीज की दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू था वो आया, सब आ करके खड़े हो गए, पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स भागते हुए आए देखने के लिए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ. और सब तरफ खून ही खून. उधर से फिजियोथेरेपिस्ट आया, आकर के उसने रुई रखी नाक पे खून को रोकने के लिए, लेकिन खून निकले जा रहा है इधर उधर. और फिर सिद्धू ने आकर के उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम ना वापस चले जाओ वहां पर इंजर्ड होकर के, रिटायर्ड हर्ट होकर के, और वापस आ जाना थोड़ी देर में, तब तक ये जो इतने पेसर्स हैं वो लोग चले जाएंगे, तुम एक दो घंटे बाद वापस आ जाना, प्रॉब्लम क्या है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो हॉस्पिटल जाकर के इलाज करा लेना. तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि वो चला जाएगा, मतलब वो बैठा हुआ था तब तक अपना खून ऐसे ऐसे कर रहा था. फिजियोथेरेपिस्ट उसको उठा रहा था कि भाई चलो पेविलियन में, चलो वहां पर चलो और चल के बैठो, तुम्हारा इलाज करते हैं. वो इरिटेट हो गया और उसने दो वर्ड्स ऐसे बोले जिसने सिर्फ इंडिया की नहीं, इस पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को पलट करके रख दिया, पूरी की पूरी दुनिया की. वो दो वर्ड्स थे, मैं खेलेगा. इमेजिन करो, एक 16 साल का लड़का, टीवी पे जितने भी लोग देख रहे थे, स्पेशली वुमेन, उन सबका ये कहना था कि ऐसे ऐसी चीजों पे बैन लग जाना चाहिए, कि एक 16 साल के लड़के को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े पेसर्स के सामने जाने के लिए. कोई तरीका है, क्या कर रहे हैं. तो अगर वो पेविलियन चला जाता तो पूरी दुनिया समझ जाती, पूरी दुनिया को उस पे तरस आ रहा था सिवाय एक इंसान के, उसको खुद को, बस उसको खुद को अपने आप पे तरस नहीं आ रहा था. और उसने ऐसा बोला जिससे सब कुछ बदल गया, और अगली ही बॉल जो सामने से आई उसमें उसने चौका मारा, चौका अगली बॉल पे. और मैंने ये वीडियो देखी YouTube पे, चौका मारने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वकार यूनिस की आंख में आंख डाल करके देख सके, इस 16 साल के लड़के ने आंख में आंख डाल करके देखी.